हारा नहीं है, इंडिया ने तो मैच दिया उनको खुद तोहफे के अंदर, क्योंकि वो कह रहे थे कि यार तीसरा मैच जो है जरा इंटरेस्ट कह सकते, इंडिया ने आज सदका सदका निकाल दिया। देखें अगर अगर मैच आज इंडिया का जीत जाता ना तो तोहफा दे दो, सदका खराब निकालो अपना, क्योंकि जब भी इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगा सर मजा ही तीसरे मैच में है। अगर इंडिया आज जीत जाता तो मजा नहीं आता। ऐसे ही देखे अब बड़ा सस्पेंसफुल मैच बन चुका हुआ है, देखे अब दोनों टीमें प्रेशराइज नहीं रही, ना इंडिया ना साउथ। अगला मैच डेफिनेटली बात है, मैं कहता हूँ अगले मैच में 50-50 है। देखे एक मैच वो टीम जीत गई, एक मैच वो सारी बात साउथ अफ्रीका में तो खेलने आई थी, वनडे थोड़ी बेचने आई थी वहाँ पे साउथ को। पहले ही बात क्लियर की है, आज तो साउथ अफ्रीका पिच की वजह से बच गया, बॉलिंग पिच की वजह। होम ग्राउंड में आपको गालियां ना पड़े, आप एक मैच ले जाए। आज इस तरह की बैटिंग भी इतनी हमें मजा नहीं, कैसे अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, सेकंड ओडीआई मैच, और जिस पे इंडिया आज हार गया मैच, क्या कहेंगे सर साउथ अफ्रीका से? क्या लगता है कि इंडिया ने जान के मैच दिया है कि उनके होम ग्राउंड को वाइट वॉश ना किया जाए? यार देखे यही कह सकते हैं, इंडिया ने आज सदका सदका निकाल दिया। देखे अगर अगर मैच आज इंडिया का जीत जाता ना तो सीरीज यहीं पे खत्म हो जानी थी, लेकिन उन्होंने देखे यार आज नो डाउट साउथ अफ्रीका वाले बड़े अच्छे माइंड सेट के साथ मैदान में उतरे थे, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी उनकी, बॉलिंग पिच थी, छः बॉलर लेके आए हुए थे। और देखे सबसे पहले क्रेडिट उन्हें यह जाता है, उन्होंने टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग दे दी, उन्होंने कहा भाई बॉलिंग में हम कवर कर लेंगे, अपना बॉलिंग अटैक वो साथ लेके आए हुए थे। नो डाउट इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी गई है, हर्षदीप सिंह की बॉलें बड़ी अच्छी गई हैं, अवैश खान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, चाहे वो मैच हार गया लेकिन लड़के आ रहे हैं ये कह सकते हैं। सर मैं तो कुछ लोगों से मैंने सवाल जवाब किया, वो ये यही कह रहे हैं, जैसे मैं अपना ओपिनियन बता देता हूँ, मैं सॉरी अपना ही बता देता हूँ, कि हमें लगता था कि एक मैच लाजमी उन्होंने जो साउथ अफ्रीका को देना वो लाजमी देना था एक मैच, क्योंकि अगले जो लास्ट मैच पे सस्पेंस होता और लोग फिर देखते ध्यान से यार थर्ड मैच, क्योंकि अगर दोनों मैच जीते अगले अगर इंडिया सीरीज, क्योंकि इंडिया जीता हुआ था, सस्पेंस अगले मैच भी होगा, क्या लगता है? बिल्कुल ऐसे ही है, देखिए अब बड़ा सस्पेंसफुल मैच बन चुका हुआ है, देखिए अब दोनों टीमें प्रेशराइज नहीं रही, ना इंडिया ना साउथ अफ्रीका, अब दोनों एक दूसरे को प्रेशर दे सकती हैं, प्रेशराइज कर सकती हैं, एक दूसरे को टफ टाइम दे सकती हैं, और ऐसा ही हमें देखने को मिलना है। देखें ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, इंडिया की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, साउथ अफ्रीका की भी बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन इंडिया इस वजह से एज ले जाता है, इंडिया कहीं भी जाके खेल लेता, साउथ अफ्रीका आज बॉलिंग पिच की वजह से बच गया, मैच रह गया, लेकिन हर दफा बॉलिंग पिच नहीं मिलती। देखें हर्षदीप सिंह ने तो बड़ा अच्छा परफॉर्म और बॉलिंग तो उन्होंने अपने छक्का ही मारा है यार, क्या कमबैक किया उस बंदे ने, हर्षदीप सिंह ने सलूट है यार उस बंदे को। देखे पिछले मैच में आके इतना अल्लाह खेल गया, आज भी आके चलो बॉलिंग बहुत नो डाउट बहुत अच्छी की है, बैटिंग थोड़ी बहुत कर गया, देखे स्कोर बना गया, वरना इंडिया हमें 125 पे बुक को 3000 आ रही थी, लेकिन यही तो मजे की बात है ना यार इंडिया की, चाहे बैट्समैन ना भी चले बॉलर भी आ गए 40-50 तो कर ही जाते हैं ना। अच्छा आप मुझे ये बताएं IPL के न्यू एक बैट्समैन उन्होंने मतलब ऐड किए हैं सुदर्शन नाम सुदर्शन को उन्होंने ऐड किया IPL में फर्स्ट मैच के लिए, वहाँ पे भी उन्होंने हाफ सेंचुरी की, इस दफा भी उन्होंने 62 किया, क्या कहेंगे सर? अगर बात KL राहुल भी कैसे कप्तान रहे आज सर उन्होंने? सुदर्शन ने आके जो दर्शन करवाए हैं ना अपने, कमाल कर गया वो बंदा। देखें पहले मैच में डेब्यू में आके 50 कर जाना, वो भी आप देखें सबसे पहले तो ये बात है यार, आप इतने बड़े प्लेयर की जगह पर रिप्लेस हो रहे हो शुभमन गिल की जगह पे, देखे उसकी जगह पर रिप्लेस होके आना, यही बहुत बड़ी बात होती है। फिर आगे आके आपने परफॉर्म भी करके जा रहे हो, देखो पहले मैच में हाफ सेंचुरी कर दी, दूसरे में 62 कर दिया, जहाँ आपकी सारी टीम जा रही है वहाँ पे आगे फिर KL राहुल खड़े हुए, भाई मैं कैप्टन हूँ इस टीम का, मैं लीडर हूँ, मैं भी मौजूद हूँ। देखे उन्होंने साथ पार्टनरशिप की, इतना अच्छा खेला रिंकू सिंह जब तक नहीं आए तब तक KL राहुल अच्छा परफॉर्म करते, लगातार चल, जब रिंकू सिंह आउट फिर KL राहुल आउट हो गए, बिल्कुल ऐसे ही वो उनका यार बैड लक चल गई थी वहाँ पे आके, वरना वो KL राहुल ने खड़े होना था, जैसे वो खड़े हुए थे बड़ी अच्छी विकेट रोकी हुई थी, मुझे लग रहा था एंड पे जाके ठोकना शुरू कर देंगे, 200-300 तक तो मिनिमम जाएंगे, लेकिन वो किस्मत ने साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं यार बैड डे सा चलता है, लेकिन जो कप्तानी कर गया ना, अगला मैच किस तरह दे रहे हैं? अगला मैच तो सस्पेंस, अगला मैच में सस्पेंसफुल होगा, लेकिन 70% चांस इंडिया के, मैंने आपको पहले ही बात क्लियर की है, आज तो साउथ अफ्रीका पिच की वजह से बच गया, बॉलिंग पिच की वजह से, हर दफा ये नहीं मिलती। ओके बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका का दूसरा मैच ODI हुआ, जिसपे आज साउथ अफ्रीका विन कर गया और इंडिया से विन नहीं हो पाया, क्या कहेंगे सर? सर देखें बात ये करूंगा कि किस्मत हमेशा साथ नहीं रहती, कभी कभी दूसरी टीम को भी मौका मिलता है, जिस तरह से आज साउथ अफ्रीका ने परफॉर्म किया, हम हमेशा इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं जब इंडिया अच्छा खेलती है, अगर आज साउथ अफ्रीका ने अच्छा खेला तो हम उसे अप्रिशिएट करेंगे, जिस तरह से एडन मार्करों ने आज टॉस जीता, उसे पता चल गया यार पहले बैटिंग करते हैं नुकसान होता है, विकेट में स्विंग ज़्यादा होती है, उसने बॉलिंग कर ली, जिस तरह से उसने अपने बॉलर्स लगाए, जिस तरह से उन्होंने प्लान एग्जीक्यूट किए, टीम इंडिया आज बैटिंग में स्टेबिलिटी दिखा ही नहीं सकी, सुदर्शन और KL राहुल ने थोड़ा सा आगे स्टेबल किया है, लेकिन वो एनफ नहीं था, क्योंकि 211
कह रहा, देखिए 50 ओवर्स की गेम में एनफ रन्स नहीं होते, अगर आपने जीतना है तो आपको 270-280 प्लस तो मिनिमम करने हैं। आजकल तो वैसे ही तेज क्रिकेट 350 रन चल रहे हैं, तो इंडिया ने बैटिंग में काफी लैक किया। आपको क्या लगता है कि इंडिया ने मैच उन्हें देना था जिसकी वजह से आज उन्हें इतना परफॉर्म नहीं किया? रिंकू सिंह भी परफॉर्म नहीं कर, रिंकू जी ने चौका मारा उसके बाद जब मारने लगे आउट हो गए, गायकवाड़ ने पहला चौका लगाया दूसरे पे वो भी आउट हो गए, आज मुझे लग नहीं रहा था कि वो कोई परफॉर्म है, आज लग रहा है कि उन्होंने साउथ अफ्रीका को ही मैच देना था या ऐसा लग रहा था। देखें ऐसा ही है कि साउथ अफ्रीका अपनी कंट्री में 3-0 वाइट वॉश तो कभी भी नहीं होगी, कौन सा मुल्क पसंद करेगा यार मैं घर में आके इतना जलील हो जाऊँ। तो उन्होंने आज टफ टाइम दिया इंडिया को, कम से कम इंडिया को ये बता दिया कि यार हम गिरे थे, हम बिल्कुल तबाह नहीं हो गए, हम कमबैक कर सकते हैं। और जिस तरह से प्रेशर में कमबैक करना, एक मैच में 100 से नीचे आउट हो गए, एक में 116 पे आउट हो गए, उसके बाद जो कमबैक किया, तो यार कमबैक उनका बनता था, अप्रिशिएट मजा अब आएगा जब इंडिया के यंग बच्चे कमबैक करेंगे। वो जीत रहे थे मुसलसल, उनका कॉन्फिडेंस यहां गया हुआ था, अब वो गिरे हैं जमीन पे आके, अब पता चलेगा वो जमीन से उठ के कंपीट कैसे करते हैं तीसरे मैच में, मजा आएगा सारा इस चीज का। अच्छा, आपको मैं मकसद कहने के, कुछ लोगों से मैंने पूछा, लोगों ने कहा हमें पहले ही पता था कि मैच एक इंडिया ने देना है देना साउथ अफ्रीका को, उनका जान करो साउथ अफ्रीका को मैच है, क्योंकि एंड वाले मैच में जो है ना एक्सपेंस होगा और लोगों को पता होगा, लोग देखेंगे यार कौन जीतेगा सीरीज कौन नहीं जीतेगा, ये बात होगी। क्या ये बात ऐसा है कि कोई भी मुल्क जानबूझ के मैच नहीं हारता, इंडिया जानबूझ के नहीं हारा, इंडिया ने फाइट की। अर्शदीप के ओवर्स आपने देखे शुरू में, उसने तिगनी का नाच एक दफा फिर निचवाया, अनफॉर्चुनेट था, किस्मत आज उनके यार, क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें लक बड़ा मैटर करता है, समटाइम्स वही एज होता है वो गेम में चला जाता है, अगले मैच में वो कीपर के हाथ में चला जाता है, लक बहुत मैटर करता है, लक आज इंडिया की साइड पे नहीं था, फाइट इंडिया ने की है, लेकिन इन दी एंड वही बात है, साउथ अफ्रीका जीता तो अप्रिशिएट तो बनता है। किसके लिए? साउथ अफ्रीका के लिए। तो अगला मैच तू शुरू ला। हाँ अगला मैच सर, अगला मैच डेफिनेट सी बात है, मैं कहता हूँ अगले मैच में 50-50 है, देखें एक मैच वो टीम जीत गई, एक मैच वो टीम जीत गई, आपका कह रहेगा अगला मैच में पता चलेगा कौन कौन क्या करेगा। सर मजा ही तीसरे मैच में है, अगर इंडिया आज जीत जाता तो मजा नहीं आ रहा, लोगों ने कह रहा था जीत जा रहा। मैं आपको एक जेन्युइन बात बताता हूँ, इंडिया जीत जाता मैंने अगला मैच नहीं देखना था, यार इंडिया जीत गया फायदा क्या, अभी एंड में स्कोर कार्ड देख लेते, आपने क्या करना था यार, इंडिया तो जीत गया, सीरीज जीता, लेकिन अब मजा आएगा, तीसरा मैच है, सबको वेट है यार अब कब कौन जीतेगा, 21 डेट आएगी, कब सीरीज कौन सीरीज जीतेगा, क्या इंडिया के यंग बच्चे हिस्ट्री बनाएंगे, तो बला बला इस तरह की बड़ी चीजें आएंगी और मजा आएगा। ओके अच्छा सर, आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का सेकंड मैच हुआ और जिस तरह आज साउथ अफ्रीका विन कर गया, इंडिया हार गया, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए इंडिया हारा नहीं है, इंडिया ने तो मैच दिया उनको तोहफे के अंदर, क्योंकि वो कह रहे थे तीसरा मैच जो है जरा इंटरेस्टिंग मैच हो जाए, जरा मजेदार मैच हो जाए, क्योंकि इंडिया हारने वाली चीज तो है नहीं, इंडिया जब भी खेलने जाती है वो कप उठाने जाती है, इंडिया ने कहा चलो तीसरा मैच उनसे थोड़ा इंटेंस हो, पब्लिक को भी मजा आए, ऑस्ट्रेलिया वाले साउथ अफ्रीका वाले भी कहेंगे यार आए ने सानू आगे चले गए, तो ताकि अगली दफा जो है साउथ अफ्रीका बुलाने के काबिल रहे। आपको कहने का मकसद है कि साउथ अफ्रीका को मैच दे दिया कि यार आप जाएं, आप अपने होम ग्राउंड में आपको गालियां ना पड़े, आप एक मैच ले जाएं, आज इस तरह की बैटिंग भी इतनी हमें मजा नहीं, हाँ बॉलिंग अच्छे अटैक हुई थी, बैटिंग इतनी समझ नहीं आई, के एल राहुल और उनके एक और बैट्समैन IPL के, मुझे नाम उनका अक्सर भूल जाता हूँ मैं, तो उन्होंने भी 62 किया, उन्होंने 55 किया जो KL राहुल ने, उन्होंने हाफ सेंचुरी की, रिंकू सिंह भी चले आज, क्या कहेंगे सर? रिंकू सिंह नहीं चले, हमने रिंकू सिंह पे हमें पूरी उम्मीद थी। देखिए क्रिकेट बाय चांस होती है, वो सारी बात साउथ अफ्रीका में तो खेलने आई थी, वनडे थोड़ी बेचने आई थी वहाँ पे, साउथ अफ्रीका ने अपनी जान मारी, तो उन्होंने मतलब हो जाता यार अप एंड डाउन हो जाता, क्रिकेट बाय चांस है, और मुझे लगता है इंडिया इतने ईजी हो गए खेल रहे, जैसे इंडिया ने कहा था कि यार नहीं जीतना ये वाला मैच हमने, चलो तो बच्चे हैं तोहफा दे दो, सदका खैरात निकालो अपना, क्योंकि जब भी इंडिया अच्छा परफॉर्म करती है तो नज़रें लग जाती हैं उनको, कहते हैं हाँ नज़रें लग जाती है, चलो यार सदका खैरात निकालो बीच में से, तो कोई नहीं तीसरा मैच जो सा काफ़ी मज़ेदार होगा जो जुमेरात में खेला जाएगा, सस्पेंस भाई सस्पेंस होगा, और मुझे लगता है रिंकू सिंह जैसा अच्छा बैट्समैन बनता जाए तो रिंकू सिंह फाइनल में कुछ ना कुछ करके उखाड़ के दिखाएगा। तो बॉलिंग लास्ट में बॉलिंग कैसे लगी आज? बॉलिंग बड़ी अच्छी थी इंडिया की, क्योंकि हम शुरू से कहते हैं कि यार इंडिया की बॉलिंग नहीं अच्छी, लेकिन इंडिया की बॉलिंग इस अच्छी थी, बैटिंग इंडिया से नहीं हो पाई, अर्शदीप सिंह ने अच्छे स्पेल किए थे पहले 10 ओवर्स के अंदर, और एज उज के चौके निकलते रहे, नहीं तो अर्शदीप सिंह तो इनको साउथ अफ्रीका पूरी जितनी आबादी सबको ले डूबा था साथ अपने। अच्छा मुझे अब ये बताएं नेक्स्ट मैच जुमेरात को होने जा रहा है, अगर इंडिया की टॉस आता है तो इंडिया को बॉलिंग करनी चाहिए विन करता है कि बैटिंग करनी चाहिए पहले? इंडिया को पहले भाई बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया हमेशा चेस के अंदर बहुत बहुत अच्छा रहा है, इंडिया अगर बॉलिंग करता तो मेरे ख्याल जैसे पहले 89 पे ऑल आउट किया था वर्ल्ड कप 116 में, इस पर किया है तो ये 120-125 के अंदर रिकॉर्ड था वो ऑल आउट करके, तो 10-15 ओवर में मैच चेस करके वो बढ़िया ट्रॉफी वो लेकर इंडिया साउथ अफ्रीका लास्ट साउथ अफ्रीका
साउथ अफ्रीका अपना होम कंडीशन इस्तेमाल करेगी, वो फिर वो पिच पे डिपेंड करेगा कि वो मेरे ख्याल से, क्योंकि देखें जब भी होम कंडीशंस का मैच होता है, जो होम टीम होती है वो पिच अपने मुताबिक बनवाती है, अपनी टीम के मुताबिक बनवाती है, तो वो उन पर डिपेंड करता है कि वो बैटिंग पिच बनाती है, ज़ाहिर बात वो पहले बैटिंग करेगा और अच्छा स्कोर देगा, और बॉलिंग पिच है तो पहले बॉलिंग करेगा। ओके, बहुत शुक्रिया सर।